दोस्तों कर्नाटक में भाजपा हारी और कांग्रेस जीती। कांग्रेस के जीतने के बाद से ही राज्य में डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और सीएम सिद्धरमैया के नेतृत्व में कांग्रेस एक से बढ़कर एक चर्चित फैसले ले रही है। चाहे फिर वो पांच सूत्रीय मांगों को वादों को पूरा करना ही क्यों ना हो, बजरंग दल को बैन करने का वादा वो किसी भी वक्त किसी भी सूरत में पास जो है वो कर सकती है दोस्तों, इसका भी अंदाजा लगाया जा रहा है। वहीं अब डीके शिवकुमार ने पुलिस विभाग को बड़ी चेतावनी दे डाली है, कड़ी चेतावनी भी बोल सकते हैं। चेतावनी भगवाकरण से जुड़ी हुई है दोस्तों। अब भगवाकरण को लेकर कांग्रेस ने क्या कह दिया है, डीके शिवकुमार ने पुलिस से क्या कहा है, ये इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द नेशन। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जहां एक तरफ अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है दोस्तों, अलग अलग तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, वो तस्वीरें जहां एक तरफ चौंकाने वाली है, तो वहीं अब डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने पुलिस विभाग से कह दिया है कि हम हमारी सरकार में पुलिस तंत्र या पुलिस विभाग का भगवाकरण नहीं होने देंगे। यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। इस वक्त आपकी स्क्रीन्स पर आपको एबीपी की खबर दिखा रहे हैं। एबीपी ने लिखा है कि डीके शिवकुमार ने शीर्ष पुलिस अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। अब उच्च स्तरीय बैठक में क्या हुआ वो सुनिए, क्या कुछ कहा गया डीके शिवकुमार द्वारा वो सुनिए दोस्तों। इस दौरान डीके शिवकुमार पुलिस विभाग के भगवाकरण की अनुमति नहीं देने का जिक्र कर रहे थे। आगे एबीपी ने ये लिखा है कि कुछ घटनाओं की ओर इशारा करते हुए डीके शिवकुमार ने ये कहा कि कांग्रेस सरकार में पुलिस विभाग के भगवाकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, डीके शिवकुमार आगे क्या बोले, आगे उन्होंने बोला कि क्या आप पुलिस विभाग का भगवाकरण करना चाहते हैं, हमारी सरकार में इसकी इजाज़त नहीं है, हमारी सरकार में इसकी अनुमति आपको नहीं मिलेगी। मैं जानता हूँ कि मंगलौर, बीजापुर, बागलकोट, यहाँ आपने भगवा वस्त्र पहन पहन कर किस तरीके से विभाग का अपमान किया है, पुलिस विभाग का अपमान किया है। अगर आपके मन में देश के लिए सम्मान है तो आपको राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे के साथ काम करना चाहिए, ये डीके शिवकुमार ने कहा है। उन्होंने कहा कि हम अपनी सरकार में पुलिस विभाग का भगवाकरण नहीं होने देंगे। कर्नाटक पुलिस विभाग की पूरे देश में अच्छी छवि रही है, आपने उस सम्मान, उस छवि, उस प्रतिष्ठा को बर्बाद कर दिया है। जहां देखो वहीं भ्रष्टाचार दिखता है। इसी बैठक में दोस्तों सीएम सिद्धरमैया भी मौजूद थे और बताया जा रहा है कि उन्होंने पुलिस को मॉरल पुलिसिंग को लेकर सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। तो जाहिर है देखिए कि कर्नाटक में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो जो चीज़ें लागू की गई थी राज्य में, उन सारी चीज़ों को दरकिनार किया जा रहा है, या आप कह सकते हैं कि बदला जा रहा है, परिवर्तन लाया जा रहा है। थोड़े समय पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ, और थोड़े समय पहले क्या ज़्यादा समय नहीं हुआ है उस वीडियो को वायरल हुए, वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा था दोस्तों कि विधानसभा में जहाँ एक तरफ कांग्रेस के तमाम विधायकों की ताजपोशी होने वाली थी, वहाँ होता ये है कि पहले पूरे विधानसभा का शुद्धिकरण किया जाता है, किससे, गंगा जल से किया जाता है, कि भैया पहले बीजेपी इस पूरे विधानसभा में बैठी थी, बीजेपी के तमाम विधायक बैठे थे, अब इसका पहले शुद्धिकरण करेंगे उसके बाद अंदर जाएंगे। हालांकि इसको, इसकी आलोचना भी काफ़ी लोगों ने की, लोगों का कहना था कि बीजेपी और कांग्रेस में फ़र्क क्या रह जाएगा अगर कांग्रेस भी इसी तरीके की चीज़ों को अपनाएगी, या कांग्रेस को इस तरीके का काम जो है नहीं करना चाहिए, ये गलत संदेश भेजेगा लोगों के बीच। हालांकि कांग्रेस ने ये किया होगा शायद, इस बात का दावा किया जा रहा था, उस बात की पुष्टि हम नहीं करते हैं क्योंकि वो जो वीडियो है दोस्तों वो वायरल हो रहा था, सर्कुलेट हो रहा था लगातार, वो कब का वीडियो है, किसने बनाया, किसने जारी किया, इस बात का अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते, लेकिन जो वीडियो था, जो वीडियो में दिखाई दे रहा था, वो आपको हम ज़रूर बता रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जो मैंने कहा कि कर्नाटक में थोड़े समय पहले ही नतीजे आए हैं चुनाव के, और नतीजों में कांग्रेस ने जीत हासिल की है दोस्तों, कांग्रेस ने भारी बहुमत से जीत हासिल की है, बीजेपी को हार का मुंह दिखाया है। बीजेपी को हार का मुंह दिखाने के बाद बीजेपी के तमाम वो फैसले जो कि कर्नाटक में लिए जा चुके हैं बीजेपी की सरकार में, उन तमाम फैसलों को बदलने की जुगत में इस वक्त कांग्रेस जो है जुट गई है। और ये भी हो सकता है दोस्तों, जैसा शुरुआत में ही मैंने इस बात का जिक्र किया था कि बजरंग दल को बैन करने का जो वादा था वो अपने मैनिफेस्टो में जो कांग्रेस है लेकर आई थी, ऐसे में कई लोग
जो कि जिनका आरोप है कि बजरंग दल की वजह से पूरे राज्य में अशांति फैली। बजरंग दल एक ऐसा संगठन है जो कि राज्य में अशांति फैलाने के लिए जाना जाता है, लोगों ने आरोप लगाया। वो लोग बेसब्री से इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कांग्रेस बजरंग दल पर बैन कब लगाती है। हालांकि बजरंग दल कई बार इस बात को कह चुका है कि वो अगर बैन लगाती है, कांग्रेस की सरकार अगर बजरंग दल पर बैन लगाती है, तो फिर वो पूरे राज्य भर नहीं बल्कि पूरे देश भर में व्यापक आंदोलन करेंगे। हालांकि ये होगा नहीं होगा, कब होगा, इस बात का फिलहाल इंतज़ार किया जा रहा है दोस्तों। लेकिन पुलिसिया विभाग को किस तरीके से डीके शिवकुमार ने निर्देश दिया है, उनका निर्देश बड़ा वायरल हो रहा है कि भगवाकरण नहीं होने देंगे। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कर्नाटक में बहुत बीजेपी के सरकार के रहते बहुत सारे विवाद जो है उन्होंने उफान मारा, और ज़्यादातर चुनाव में वो मुद्दे भी बनके उभरे, बीजेपी के लिए वो मुद्दे भी बनकर उभरे। हालांकि कांग्रेस ने उन मुद्दों को साइड में करते हुए अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ा और वो तमाम मुद्दे काम कर गए दोस्तों, जिस पर कांग्रेस जीत कर राज्य में इस वक्त सरकार बना चुकी है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है सीधा सीधा सा कि कांग्रेस के इस फैसले के बाद बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, और कांग्रेस के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं दोस्तों। कांग्रेस जो ये कह रही है कि पुलिसिया विभाग का भगवाकरण नहीं होने देंगे, आपके इस पर क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।